चाप चाप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और सुबह के 11 बज गए हैं। वैसे काम तो मेरा सब हो गया। ताशु माम माम करो। ओ माम माम, सभी फ्रेंड्स के माम माम कर रहे हैं ताशु। सुबह ही सुबह जय भी कर दो सबको, सबको जय बोल दो। बोलो जय जय। ओ मेरा अच्छा बेटा सबको जय बोलता है। और मैं खाना बनाऊंगी, कुछ नहीं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। सोचू दाल ही बना लूँ या फिर देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। शाम को कढ़ी बनाऊंगी, मैंने मट्ठा जमा रखी है तो शाम को तो मैं कढ़ी बनाऊंगी, मन मेरा कढ़ी का है। और देखिए इसने रिमोट के सेल वेल सब निकाल के फेंक दिए, बदतमीज लड़के ने। और ये सो जाए तो मैं नहाया हूँ, ये सो के नहीं दे रहा। आज तो नीचे जाने को राजी नहीं हो रहा बिल्कुल भी, कि नीचे चला जाए। गया था तो रो के भाग गया ऊपर ही जा ही नहीं रहा नीचे, बार बार ऊपर ही आ जाता है। और वो चले गए ऑफिस, हम लोग बैठे हैं आराम से, काम करेंगे। काम तो हो गया, बस नहाना है मेरे को और उनके लिए नाश्ता बना दिया था, तो नाश्ता खा के वो चले गए हैं। और खाने का देखेंगे अपने, जैसे भी आएंगे देखते हैं। और मम्मी भी नीचे ही हैं, बच्चे स्कूल गए हैं नदी तनु, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं उनके फाइनल, तो इसलिए रेगुलर स्कूल जाना ज़्यादा जरूरी है उनका, क्योंकि अभी शादी में गए थे तो छुट्टियां हो गई थी एक दो, ज़्यादा नहीं हुई। तन्नू ने तो करी नहीं, वो तो गई ही नहीं स्कूल की वजह से, कि नहीं मैं नहीं जा रही। वो लास्ट टाइम लास्ट वाले दिन ही गई थी, और उस अगले दिन छुट्टी करी क्योंकि बच्चे थक गए थे उस अगले दिन। तो बस एक ही दिन उसने छुट्टी करी, और वैसे छुट्टी नहीं करी क्योंकि जिस दिन गई थी वो उस दिन भी स्कूल गई थी, जो स्कूल जाके फिर आई थी तब वो आई थी वहां पर। और देखते हैं, वैसे दीदी जिनकी शादी थी वो गोवा गई है घूमने के लिए, बहुत सुंदर लग रही थी बहुत ज़्यादा उनकी, मतलब वो अब सूट पहना है उन्होंने, साड़ी तो मैंने उनको पहने हुए देखा नहीं अभी, सूट में ही उनकी फोटोज देखी हैं, बट बहुत प्यारी लग रही हैं। वो है भी बहुत सुंदर, इसलिए बहुत सुंदर रहे वो दीदी, बहुत अच्छी लग रही थी। और देखिए ताशु कैसे देख रहा है कि मम्मी किससे बात कर रही है। ताशु 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 लल्ला, मम्मा पापा बुआ, बोली बुआ, बोलियो बुआ, बाबा अम्मा, सही बोलो अम्मा, बोलियो अम्मा, नानी, नानी बोलियो ताशु, नानी नानी ना बोल, ताशु ताशु अम्मा ने दूध दिया, ताशु अम्मा ने दूध दिया वहां पे, लल्ला अम्मा ने दूध दिया, बुआ घर दूध मिला, ताशु बुआ घर दूध मिला, नहीं अब नहीं करेगा ताशु, सेल में लग गया, आओ अब बात नहीं करेगा तमीज लड़का। चुकी है और मैं बनाऊंगी चाय, मम्मी बोल रहे चाय बना दो, तो चाय बनाऊंगी। और उसके बाद मैं कढ़ी बनाऊंगी आज, ये सब खा के ना आलू गोभी सब खा के मेरे ना दिमाग जाएगा। तो मम्मी बोलती है आज वो बना दियो, क्या बोलते हैं सर, कड़ी मठा मैंने जमा ही लिए, और थोड़ी सी मठा मौसी जी के यहाँ से आ गई है, तो मैं कड़ी बनाऊंगी। पहले तो फिलहाल मैंने देखो मटर छील कर रखी, ये रही ये रही, मैं स्टोर करूंगी फ्रीज में मटर, क्योंकि तो फिर काम आ जाती है ऐसी, कोई 5-6 किलो मटर फेस हो जाएगी, पन्नी में भरती रहूंगी और ऊपर फ्रीजर में रख दूंगी तो कोई कुछ नहीं होगा। मेरी बड़ी वाली जो नंद है वो भी रखती है, तो इसीलिए अब मैं सब मटर ला ला के फ्रीज में फ्रीजर करूंगी, और जब यूज आएगी तो यूज कर लेंगे। तो फिलहाल मैं पहले ये बर्तन वगैरह साफ कर देती हूँ, और उसके बाद कढ़ी बनाने लगूंगी। फिर पहले बना देती हूँ में कुछ और करूंगी। और ये मैंने नया जग निकाला है क्योंकि ताशु का दूध फिर इसमें भगोने में रखा रहता था, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं था तो बड़ा सा जिसमें कि मैं दूध करूँ, तो इसलिए मैंने ये निकाल लिया। अब ये जो भी पिएगा रात को मैं इसमें करके रख दूंगी, और इसे वॉश करके रख दूंगी, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अभी मैं चाय बना देती हूँ, चाय कसने वाला। और देखिए मैंने ये लिया था ये वाला, यहाँ पर ऐसे ही लगा दिया मैंने, क्योंकि जो चमचे वगैरह थे ना सब ऐसे ही उसमें रखने पड़ रहे थे। अब वो पता नहीं कसने वाला मैंने कहाँ रख दिया, ये ना
ये रहा। फिर मेरे को ढूंढना पड़ता है सब जगह, इसमें हो जाएगा तो सही रहेगा। अब इसमें इसको वॉश कर दूंगा और मम्मी के दूध में चाय में दूध डाल दूंगा। और ये है ताशु जी का दूध, इसको साइड में रख देते हैं ढक के। और चाय उबल गया मेरी जल्दी से, तो मम्मी को देके फिर मैं कढ़ाई मांग लग जाऊंगा और बर्तन में सिर्फ एक साथ ही मांग लिया, बहुत हो जाएंगे इसलिए। और देखिए ये दूध बिलोने के लिए ली थी, पर इस समय से होता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, लकड़ी वाली से तो हो जाता है, इससे नहीं होता। इसको तो मैं पागलों की तरह करती रहती हूँ ऐसे, ये हो गई नहीं। हाँ शिवानी आई है और टाइम फ्रेंड्स मैं सेब की बनाऊँ क्योंकि पकौड़ी खाते ही नहीं है, इसलिए मुझे सेब की बनानी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी सेब, बस थोड़े से, और ताशु के लिए पकौड़ी उतारूंगी एक तो खा लेगा। वैसे खा पता नहीं इसको क्या हुआ, खा ही नहीं रहा कुछ भी, तेल भी हो गया है, मैं तेल लगा रखी पहले रख रखा है। और मैं सेब तोड़ लेती हूँ, सेव हो जाएंगे और फिर छोड़ दूंगी। ऐसे तो मैं इधर भी उबालने रख सकती हूँ, पर वो मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छी लगती, वो मेरी दीदी के हाथ की अच्छी लगती है, मेरी बड़ी वाली नंद बनाती है, वैसे तो अच्छी लगती है उनके हाथ की, और जब मैं खुद से बनाती हूँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं बनाती नहीं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। कड़ी साग तो मेरी छोटी वाली नंद भी बहुत अच्छी बनाती है, टेस्ट आता है उनके हाथ में भी। थोड़े से करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी, हो गया थोड़े से रह गए बस, तो हाथों पे लग जाता है ना बहुत, वो लगता है मुझे। इसको हाथ धो लूं पहले मैं, कड़ी तो छोंक दिया, अब चलाऊंगी इसे, कदका आएगा तब छोड़ूंगी। और देखिए बर्तन पड़े हैं मेरे, ये हो जाए तो मैं थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि चावल तो बनानी नहीं है, और मम्मी बोली थी बस रोटी बना देना, तो मैं रोटी बनाऊंगी। और ज़्यादा कोई रोटी खाता नहीं है, मम्मी भी दो खाती हैं, मैं भी, और ये खाते हैं तीन तीन या चार, मैं और मम्मी तो दो दो ही रोटी खाते हैं। ये चल जाए हो जाए तो मैं अपने बर्तन भी मांझ लूँ जल्दी से, किचन साफ कर दो, किचन फैली पड़ी है मेरी, हो जाएगी बस थोड़ा सा कदका जाने जरूरी है उसमें, अगर नहीं चलाएंगे तो ये फट जाएगी, वो फटी फटी से गंदी लगती है फिर। और वैसे भी मुझे मट्ठा की कड़ी अच्छी लगती है, वो जो बना लेते हैं दही वगैरह की जो उसमें सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं से नहीं खाई जाती वो, वैसे लगता पता नहीं क्या खा रहे हैं, मुझे यही ज़्यादा अच्छी लगती है मुठ्ठा वाली, और वो भी खदकी हुई अच्छी से, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए कड़ी, और ना ही ज़्यादा पतली सी, मतलब मीडियम हो वही अच्छा लगता है। कोई बोल कोई होता है ना कड़ी कड़ी एकदम कड़ी खाता, वो भी नहीं अच्छी लगती, यही अच्छी लगती है। जल्दी से हो जाए मेरी कड़ी, और गर्म गर्म तो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये दोनों धुल जाएंगे, दोनों को काम नहीं है, मैं डाल देती हूँ ये सब इसके अंदर ही, और ये भी धुलने में, और इसमें डाल देती हूँ नमक, मैंने नमक डाला था नमक में तभी डालती हूँ, तो ये खदक जाती है। और भाई मुझे किसी के नमक का कोई अंदाजा नहीं होता, सिर्फ अपने चम्मच की नमक का अंदाजा है, कभी तो मेरे से ज़्यादा डल जाएगा और कभी कम डल जाएगा, अपनी चम्मच से मैं सही डाल दूंगी इससे, ना मैं किसी के भी नहीं डाल सकती, ऊपर नीचे हो ही जाता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, ये हो जाएगा इससे, अभी खदकती रहेगी अच्छे से खदक जाएगी, तो मैं इसको बंद कर दूँगी। और मैं रख देती हूँ इसको,
सारी गैस पे लग गई। इसमें प्याज है, जैसे मैंने बर्तन भी सब मांज दिए, बर्तन भी लिए, और वो मैंने पहले कमरा पहले से साफ कर ही दिया था, पहले झाड़ू वाड़ू लगा दी, शाम को तो झाड़ू लगेगी नहीं, तो इसलिए मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के अपना सही हो गया। बस अब कुछ नहीं, मुझे आटा लगाना है, चावल बनाने नहीं आटा लगाने, क्योंकि 81 है परसों, और फिर चावल बनाऊंगी तो बच ही जाते हैं, कल खाएंगे, फिर परसों 81 है, तो मम्मी मना कर रही थी, कह रही नहीं चावल मत बनाना, तो मैं चावल नहीं बनाऊंगी, 81 के बाद ही बनाऊंगी। 81 के बाद क्या बनाऊंगी, फिर मेरा व्रत है, और आज वैसे वैलेंटाइन डे है, काय का वैलेंटाइन डे, हम तो अपना घर में ही है, हमें तो पति देव ने भी नहीं कहा, एक बार भी विश भी नहीं किया, भग गए ऑफिस, उनका तो हर साल का है, कभी नहीं मनाते, वो कहते हैं ये बेकार चोच ले, तो उनको कोई समझाए ये बेकार चोच ले, उनको नहीं समझ आता, उनका तो बस खाना पीना बस, और मेरे से लड़ना, यही होता, और तो कुछ नहीं है, कोई वैलेंटाइन डे कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कोई एक वो नहीं बनाया उन्होंने, बस ऐसे ही, पहले शादी में बिजी थे, अब ऐसे बिजी हो गए, तो वही है, टाइम का तो कोई वही पूछो मत, पता नहीं कब होगा क्या है, सब ऐसे ही हमारा वैलेंटाइन डे घर बन रहा है, कड़ी बना के कड़ी बना रहे हैं, और क्या करेंगे, वैलेंटाइन डे पर कड़ी बना के खिलाएंगे। कुछ नहीं होता, बस माहौल खराब होता है, इसलिए माहौल तो माहौल हाँ हाँ जो भी तुम तो हमारे तभी बोल रहे माहौल वो बना कर एकदम माहौल खराब होता है माहौल सेकंड वाला ही तेरा कहाँ देखे कहाँ देखे तेरा तू कहाँ पहुँचे हो घूम रहा होगा बंक मार के जो पीछे पीछे आ बोल रहा हो ना ज्यादा नहीं बोल रहा तू तो फिर भी अब अकेले आता बेटा पार्क में बैठ जाता मजा कौन कह रहा पागल है मेरी अकेले जाने में हवा निकलती है